देखो समझो, सिक्स अपॉन 1250 क्वेश्चन ये था, दशमलव प्रसार डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? तो 1265 का तुम्हें फैक्टर पता होना चाहिए, 1265। अगर इसको हमें सिर्फ टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट यानी शांत और अशांत बताना है तो क्या होना चाहिए, इसके फैक्टर क्या क्या आने चाहिए? 2 और 5 में इसके फैक्टर होने चाहिए थे। 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, सॉरी 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अभी 2 से डिवाइड नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अभी किससे डिवाइड होगी, ये होगी या तो 3 से या 5 से। पहले ना सम करके देख लो, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब करो इसे 5 से डिवाइड, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5, तो कितने आ गया, अब इसे लिख लो, 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 4। अब भाई हमें 2 की पावर और लानी है ताकि पावर हमें सेम हो जाता है, इसमें क्या करो, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 से डिवाइड, तो टोटल ऊपर क्या आ जाएगा, 6 in 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक, अपॉन में 2 की पावर 4 और इंटू 5 की पावर भी 4। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, 8 6 जा 48, 8 6 48 और 5 2 10, 10 की पावर 4 ऊपर 48 है, अब अपॉन में क्या है, 4 0 पावर 4 है, तो अब इसका 4 0 लगाओ, 4 8 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। अब 4 0 थी ना, 4 डिजिट का डेसिमल, 1 2 3 4 यहाँ जाएगा डेसिमल, तो इसका आंसर जो आएगा 0.0048, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। 65 and 117 यानी 117 का एस सी एफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो क्या करोगे, 65 से डिवाइड कर लो किसको, 117 को, कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, 65। अब 7 में से 5 गया तो 2, 11 में से 6 गया तो 11 में 6 गया 5, 52 आ गया, आगे फिर 65 को डिवाइड करोगे 52 से, कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, 52 माइनस क्या, तो क्या बचा, 13, और 13 से डिवाइड कर दो 52 को, 13 2 जा 13 4 जा 52। अब जो स्टेप है क्या है, पहले 65 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 52, दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे, 52 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 13, और थर्ड स्टेप क्या है फिर, 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 हो गया क्वेश्चन, और एस सी एफ जो है वो 13 है। देखो क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0, ऐसे ही सिचुएशन में क्वेश्चन करा के इसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि तीनों से इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इसमें एक बार एक कंडीशन चेक कर लो क्वेश्चन में कि a1 जो है, a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है 10। सेकंड इक्वेशन में a2 और b2 = 1 - का और c2 = 9, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन बना लो, a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2, इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन रख लो। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 6 अपॉन a2 की वैल्यू 2 = b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -1 = c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9, माइनस से माइनस, 2 3 6, 1 से 3 टाइम, तो ये 3 = 3 और = not 10/9। जब a1 upon a2 = b1 upon b2 not = c1 upon c2, जब क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और ऐसी लाइनों को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइन यानी समांतर, समांतर श्रेणी नहीं, समांतर रेखाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन है 30 upon x - y + 44 upon x + y = 10 और सेकंड क्वेश्चन है 40 upon x - y + 55 upon x + y = 13। अब ये दोनों क्वेश्चन है कह रहा है कि युग्म बदलकर यानी रिड्यूसिंग मेथड से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे भाई, 1 upon x - y को मान लो a के इक्वल और 1 upon x + y को मान लो b, ठीक है ना। अब a की 1 upon x की जगह a रखोगे, 30a + 44b = 10, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे रख लोगे क्या, 40a + 55b = 13, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे,
अब इसमें या तो ए का कोफिशिएंट इक्वल कर लो या बी का कोफिशिएंट, हम ए का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 4 जा 12 यानी 128 प्लस 4 से 44 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 5 4 4 जा 16 और 1 17 176 बी 176 बी इज इक्वल टू 10 4 जा 40, आराम से समझ लो भाई। दूसरा क्वेश्चन है 3 की मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 128 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 का 5 1 5 3 15 1 16 165 बी इज इक्वल टू 13 3 39। अब माइनस कर लो, ये माइनस के 120 से 120 कट गए, 176 में से 165 यानी 176 में से 165 माइनस करो, बी का बी 6 में से 5 गया 1 7 में 6 गया 1 और 1 में से 1 गया तो 0 इज इक्वल 14 में से 10 ए गया तो 39 तो 1 बचा, तो बी की वैल्यू क्या गई 1 अपॉन 11 बी की वैल्यू। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख लो, किसी में भी फर्स्ट में रख लो, बी की वैल्यू आई है ना, फर्स्ट क्या तुम्हारा 30A प्लस 44 बी की वैल्यू अभी निकाली हमने 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10, 11 से 44 4 टाइम कट जाएगा ठीक, और यहाँ 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो जाएगा 30A इज इक्वल टू 10 माइनस 4, अब 10 में से भी 4 ले तो 6 बच गया, अरे 30 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में A इज इक्वल टू 6 अपॉन 30, 6 1 6 6 5 30 1 अपॉन 5 आ गया A की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी। अब x की निकालेंगे, x और y की, भाई a की जगह 1 अपॉन 5 तो 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 अपॉन 5 है, a की वैल्यू 1 अपॉन 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस y इज इक्वल टू 5, ये बनेगी तुम्हारी इक्वेशन। एक और दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इक्वेशन बना लोगे तो x प्लस y इक्वल टू 11 ये आ जाएगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 4, ये थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट सेकंड ही हमारी थी। अब फर्स्ट और सेकंड से ऐसे कर लो जैसे सॉल्व किया था, देखो x माइनस y, अरे भाई एकदम करते हलवा क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, मगर गर्म है आराम से खाना, x प्लस y इज इक्वल टू 11, माइनस करोगे y से y कट जाएगा, x और x 2x, 11 और 5 16, 2 से 16 काट दो 8 टाइम कट जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ गया x की वैल्यू। अब इस इक्वेशन थर्ड में रख लो भाई, x माइनस y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू तो आई हमारी 8 और माइनस का y इज इक्वल टू 5, 8 प्लस में जाएगा तो माइनस का y इज इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस y इज इक्वल टू कितने बचे, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू आगे 3 है ना, मजेदार क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है, x² + 2x + 1 = 4x² ओए बात ना बना, बात बनानी है तो घर जाकर बनाओ, समझ में आ रही है, फालतू की बकवास मत करो, समझ लो। क्वेश्चन है इसमें तुम्हें बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो कैसे करोगे देखो, x² + 2x + 1 = 4x² + 16 क्वेश्चन है x² + 2x + 1 = 4 - एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 3, ये तुम्हें बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्वेश्चन होगा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी ऐसी है x² + 2x + 1 इज इक्वल टू ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, तो यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो खोल दो भाई, a का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर यानी b का x का स्क्वायर, अब माइनस है फिर 2 तो फॉर्मूले में आ गया, और a और b कौन है हमारा 4 और x है, a और b क्या है 4 और x, तो 4x की मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आएगा ठीक है, 4 और x की मल्टीप्लाई करोगे 4x और 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 कितना हो गया 8x और आगे प्लस में 3 ठीक है। अब सॉल्व कर लो, या तो इन्हें उठा के इधर ले आओ या इधर ले आओ, अब ये ध्यान रखना ये 16 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 16 और 3 19, इन्हें हम 19 ही लिख देते हैं,
90। आर ये उठा के रख लियो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू एक्स प्लस वन माइनस के हो जाएंगे, सबके साइन बदल जाएगा तो प्लस के माइनस की हो जाएगी, जो माइनस के वो प्लस हो जाएगी, प्लस का 19 माइनस का 19 हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 8 एक्स ये हो गया प्लस का 8 एक्स इज इक्वल टू, में कोई नहीं रहा जीरो, ये घर खाली, सब उठ के इधर आ गए, एक्स स्क्वायर का 2x और 8x ये हो गया 10x 19 और 1, 19 में से 1 माइनस कर दो, माइनस का 18 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां पे लिख देंगे नहीं, नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन इसी के जैसा एक और था, बताओ क्या था? माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोष्टक में 5 माइनस एक्स कोष्टक ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 2 अपॉन 5। ये क्वेश्चन है, बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट में, पहले 5 टू जा 10x फिर आगे माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 ठीक। अब x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 बन जा 2x स्क्वायर और आगे भी माइनस माइनस प्लस भाई 2 अपॉन 5 है 2 अपॉन 2 अपॉन 5 x का x आ गया 5 से 5 कट गया, यहां अकेला 2 बच रहा है, माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x माइनस का 2 और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस में 2 अपॉन 5 x अगर देखो 10x और ये 2 अपॉन 5 x दोनों प्लस के हैं ठीक है, सम कर दो 5 10 जा 50x और प्लस 2 52x हो जाएगा। एलसीएम लेने पर समझ में आ गया, समझाऊं? देखो ये दो पार्ट अलग लिख लो, माइनस का 2x स्क्वायर भाई इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लोगे दोनों प्लस के तो प्लस लगा लेते हैं 5 एलसीएम आ गया 5 10 जा 50x और प्लस का 2x टोटल कितना जाएगा 52x अब लिख दो 52x ठीक। अब माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू भाई माइनस इस थ्री के अपॉन में भी 1 मान के एलसीएम ले लो माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एलसीएम आएगा हमारा 5 के मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 टू जा माइनस का 10 5 टू जा 10x स्क्वायर प्लस 50 के मल्टीप्लाई 52 जा सॉरी 52 का 52 आ जाएगा अब 5 यहां मल्टीप्लाई में 5 टू जा 10x माइनस का 10x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 52x अगर 10x स्क्वायर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस का ये दोनों कट जाएंगे आपस में बचेगा क्या फिर माइनस का 10 और प्लस का 52x भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। ऐसे पता करोगे कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी फॉर्म में आनी चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यही है ना। तो ये समीकरण को हल कीजिए कैसे करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना हमें भाई ax स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करोगे भाई जोड़ के ये घटा करके तो हमारा ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन कोएफिशिएंट इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई टू का 4 के इक्वल आना चाहिए तो क्या होगा वो नंबर 2x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 4 और 1 कितने हो जाएंगे माइनस का 5 और 4 बन जा 4 आंसर आ जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। अब ये दो नंबर है ये दो नंबर है दोनों में से 2x कॉमन ले लो बचा क्या x माइनस 2 इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लो बचा क्या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे x 0 के बराबर जब रखोगे तो x की जो वैल्यू आएगी एक तो माइनस का प्लस क्या जाएगी ये माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और इसके अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो x की दो वैल्यू आ जाएगी यहां पे 2, 1 अपॉन 2 ठीक है। द्विघात समीकरण को हल। अगला क्वेश्चन देखो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 x का मान ज्ञात करो वही फिर से गुणनखंड भी करने हैं कैसे करोगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये दो पार्ट इन दोनों में से x कॉमन ले लो x प्लस 6 इनमें से 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 x प्लस 6 और क्या बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएंगी माइनस का 6 और माइनस का 1 धनिया बेचने वाला है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने के लिए मिला है पेपर में। इसमें करना क्या है भाई इसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा क्वेश्चन k की वैल्यू फाइंड करो तो इसके लिए तुम्हें मैंने दो फॉर्मूला बताया था एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था श्रीधराचार्य वाला और एक और उससे पहला फॉर्मूला बताया था क्या
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो पेपर लगता जब भी ऐसी सिचुएशन आए। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या निकाल लो, ए बराबर कितना है टू, बी बराबर कितना है माइनस टू के, और सी बराबर कितना है माइनस का सिक्स। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है टू, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। टू टू जा फोर के स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट, एट सिक्स जा 48, 8 इन 48, 4 दुनिया 8, 8 इन 48, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। अभी 48 प्लस में इधर गए तो माइनस में 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 48। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 48 अपॉन 4, 4 से काटने से के स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी बार कटा माइनस का है 12 बार कट गया, और इसमें स्क्वायर रूट कर दो वर्गमूल ले लो रूट में चला जाएगा माइनस का 112 सॉरी माइनस के 12। अरे क्या बता रहा है स्क्वायर न करना स्क्वायर रूट, तो के स्क्वायर रूट में माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है आगे समझो, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन करना है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्योंकि इसके नॉर्मल फैक्टर बनेंगे नहीं, इसलिए चार ही है। क्या फॉर्मूला है भाई, पहले a और b और c की वैल्यू निकाल दो, a बराबर 4, बी बराबर 4√3, 4√3 यानी कि सी बराबर कितना है 3, ठीक है माइनस 3 प्लस 3। अब देखो श्रीधर चार का फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, वैल्यू पुट करता है माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 4√3 प्लस माइनस रूट में बी की वैल्यू क्या है 4√3 का स्क्वायर कर दो माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 अपॉन में क्या 2 मल्टीप्लाई 4 भाई रूट हटाओ मत हटाओ अभी माइनस का 4√3। पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लो थोड़ा सा, रूट में 4√3 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 48 आ गया भाई माइनस 4 4 16 16 3 48, ये तो रूट खत्म मामला जीरो आ गया। अब हमें 2 2 4 2 8 ये तो कट गया पूरा, तो बचा क्या इसका आंसर माइनस का 4√3 अपॉन में 8, चाहो तो 4 से 4 2 टाइम काट दो तो आ जाएगा माइनस का √3 अपॉन 2 अपॉन में 2 आंसर। ठीक है अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर ये वैल्यू कटती नहीं है डिवाइड नहीं होती है तो क्या करोगे, फिर प्लस माइनस अलग अलग दो पार्ट्स लेके दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, एक बार प्लस का साइन रखे एक बार माइनस का साइन। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, बोलो विशाल बोल क्वेश्चन क्या है, दो पूर्ण विषम संख्याओं का वर्गों का योग 394 में है। भाई पूर्ण विषम संख्या मान लो फर्स्ट नंबर जो है वो मान लिया हमने एक्स, ठीक है, और सेकंड नंबर मान लो विषम है ना, मान लो अगर 3 है तो 3 सेकंड विषम संख्या क्या होगी 2 प्लस होगा ना, एक्स प्लस 3 प्लस 2 तो 5, तो x प्लस 2 कर दो इसमें कितना x प्लस 2, ये दो नंबर होगी। और क्वेश्चन कह रहा है दोनों के वर्गों का योग यानी दोनों के स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर दोनों के वर्ग कर दिए और वर्गों का सम कितना है 3 9 4 394 भैया, करो उस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए बी का 2 2 4 एक्स इज इक्वल टू 394 एक्स और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर और प्लस का 4x 8x नहीं 4x ही होंगे प्लस का 4 और ये इधर आ जाएंगे माइनस का 394 इक्वल टू में 0 2x स्क्वायर प्लस 4x 394 में से 4 माइनस कर दो 390 आ गया बराबर 0। अब पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड, सबके 2 से डिवाइड करने पर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 2 वन इधर 2 9 18 और एक आएगा 2 5 10 इज इक्वल टू 0 185 दोनों 18 है 9 बार कटेगा दोनों 18 है 195। अब 195 का फैक्टर कर लो 9 10 5 15 3 से काटो 3 5 15 4 बचे 3 6 18 6 काटो 1 बचेगा 3 5 15 फिर 5 से काट दो 5 5 39 और 13 बन जाए 13 5 क्या 15 15 और 13 आगे इसके फैक्टर 15 और 13 15 में से 2 घटाओगे 13 घटाओगे तो 2 बचेंगे और 15 में 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 195 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का कर दो 13x भाई जब तो घटेंगे और मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस के और माइनस का 13 तो माइनस का 95 आएगा 195 माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ये दो पार्ट है ये दो पार्ट है, इन दोनों में से x कॉमन ले लो बचेगा क्या x प्लस 15, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन निकाल दो बचेगा x माइनस 15 सॉरी प्लस का इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो प्लस हो जाएगा x प्लस 15 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू तो 15 आएगा माइनस कर एक आएगा 13 प्लस। ठीक है ये आंसर यही है सर सब ठीक है भाई x की वैल्यू 13 अब इसे x की जगह 2 रखोगे x की वैल्यू तो 13 आई है, अब x की जगह 13 रखोगे
13 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 15, 13 और 15 थी वो दोनों विषम संख्या है। देखो भाई क्वेश्चन है, x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये है द्विघात समीकरण का ही। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आया है, क्वेश्चन करने आसान है, बस एक बार टेक्निक समझ लो करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों नंबर का एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम क्या आएगा 2x प्लस शांत हो जाओ, ये क्वेश्चन है, ये दो नंबर है, दोनों का क्या करोगे एलसीएम ले लो, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम आ गया, इससे ही कटेगा x माइनस 1 की x माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगी तो होल स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, 2x प्लस 1 में 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2। अब क्या करोगे फैक्टर करना, फॉर्मूला बना दो ऊपर, a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे x स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 बन जाए 2x, इसका फॉर्मूला क्या आएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और दोनों का मल्टीप्लाई कर 2 टाइम 2 2 जा 4x, अपॉन में पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाए 2x स्क्वायर, फिर 1 में करोगे तो माइनस का 2 बन जा 2x, फिर 1 से करोगे प्लस 1 बन जा 1x और प्लस माइनस 1 बन जा 1 इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 4 और 1 कितना जाएंगे 5x स्क्वायर, 4x में से 2x घटा दिया तो बचे क्या प्लस का 2x, प्लस का 1 और प्लस का 1 क्या होगा प्लस का 2, 1 और 1 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x में से 1x गया तो एक x बच गया माइनस का 1 इज इक्वल टू में 2 अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2, ये प्लस में से इधर आएंगे तो माइनस में 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 भाई माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, अब 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस कर दो x स्क्वायर बच गया 2x 2x प्लस का 4x 2 और 2 4 इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। अगर चाहो तो इसे सॉल्यूशन करना चाहते हो, अगर सॉल्यूशन भी करें तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है ना, अगर कह रहा है द्विघात समीकरण है नहीं इतना बताओ तो इतना ही छोड़ दो, देखो कैसे होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ये दो पार्ट हो गए, ये दो पार्ट हो गए, इन दोनों में से x कॉमन निकाल दिया बचा क्या x प्लस 2, इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन ले लिया बचा क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 आ गया और ये भी x प्लस 2 बच गया, x प्लस 2 का इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 दूसरा माइनस का 2 ऐसे कितना हो गया, ठीक है नेक्स्ट वाला देखो चलो।